नमस्कार दोस्तों दोस्तों चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक वन, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इन चार थ्योरीज के बारे में, और यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों ही थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इस बार भी यूजीसी नेट में एक या दो क्वेश्चन इन चारों थ्योरीज में से आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो रिलेटेड है इन चारों थ्योरीज के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नंबर वन टॉपिक से। नंबर वन टॉपिक है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस दिया था जेएम केंज ने, और दिस इज़ एम्पिरिकल कंजप्शन फंक्शन। एम्पिरिकल कंजप्शन फंक्शन मीन्स एम्पिरिकल मीन्स दैट स्टडी विच इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड। तो वेरीफाइड वो स्टडी हो चुकी है, दैट इज़ एम्पिरिकल। सो डिराइव्ड फ्रॉम टाइम सीरीज डेटा फॉर 1929 टू 1944, मतलब वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने तक। एंड नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू केंज एग्रीगेट कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ करेंट डिस्पोजिबल इनकम। तो ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी चार थ्योरीज हैं उन चारों थ्योरीज में आपको कंजप्शन किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे या किसी एक्सपेक्टेड इनकम पे, ये चारों ही चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले केंज क्या कहता है, केंज कहता है एग्रीगेट कंजप्शन या फिर कंजप्शन जो है वो डिपेंड करता है या फिर फंक्शन है करंट डिस्पोजेबल इनकम का, मतलब ऐसी इनकम जो सिर्फ खर्च करने के लिए होती है, मतलब इनकम माइनस टैक्स। और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इज आइदर लीनियर और नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन, मतलब ये लीनियर भी है और नॉन लीनियर भी है कंजप्शन फंक्शन। अब क्या है नॉन लीनियर, ये हम आगे बात करेंगे इन दोनों चीज़ों के बारे में। दिस कंजप्शन फंक्शन इज स्टेबल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो ये वाला कंजप्शन फंक्शन स्टेबल रहेगा शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। एंड नाउ नेक्स्ट वन, इन द शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन इज नॉन लीनियर। कंजप्शन फंक्शन नॉन लीनियर इन शॉर्ट रन, क्योंकि शॉर्ट रन में ए पी सी ज़्यादा होगा और एम पी सी कम। एंड इन लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर, कंजप्शन फंक्शन लीनियर हो जाएगा, दैट इज ए पी सी और एम पी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे लॉन्ग रन में। ओके, अब हम बात करते हैं डायग्रामेटिकली अप्रोच की। देखो डायग्रामेटिकली यहाँ पे दो अप्रोच हैं, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अप्रोच की। यहाँ पे दो कंजप्शन फंक्शन है, एक शॉर्ट रन, जो शॉर्ट रन है वो बता रहा है दैट इज़ सी कर्व। सी कर्व ये है कंजप्शन फंक्शन शॉर्ट रन में, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब यहाँ पे सी कंजप्शन फंक्शन है, दैट इज शॉर्ट रन। ए इंटरसेप्ट है, जो ये इंटरसेप्ट कर रहा है दैट इज लॉन्ग टर्म को या फिर इनकम कर्व को, और प्लस बी, बी यहाँ पे शो कर रहा है एम पी सी, और वाई शो करता है इनकम। और जो ए है ये इंटरसेप्ट भी शो करता है और ऑटोनोमस कंजप्शन को भी शो करता है। और लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन यहाँ पे शो करता है सी इज इक्वल टू बी वाई, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई इंटरसेप्ट नहीं रहता, क्योंकि लॉन्ग रन में ए पी सी और एम पी सी दोनों बराबर रहती हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं रहता। तो इसलिए सिर्फ बी वाई, सी इज इक्वल टू बी वाई। अब यहाँ पे बात करते हैं ए पी सी और एम पी सी की। ए पी सी है सिंपल सी अपॉन वाई, मतलब सी अपॉन जैसे ओ सी वन अपॉन ओ वाई वन। और एम पी सी है इन दोनों में चेंज कितना आया, चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन में चेंज आया सी वन टू सी टू, और इनकम में चेंज आया दैट इज़ ओ वाई वन टू ओ वाई टू। तो इन दोनों का जो चेंज बता रहा है, ये डिफरेंस पता करता है एम पी सी। सो अब यहाँ पे स्टडी करते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की। देखो शॉर्ट रन में ये आपके काफ़ी ये पॉइंट्स बाद में भी काम आएंगे। शॉर्ट रन पॉइंट्स देखो यहाँ पे लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ फिक्स्ड, और बल्कि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाई होता है। और कंजप्शन फंक्शन इसमें नॉन लीनियर होता है, दैट मीन्स ए पी सी मोर देन एम पी सी, और कंजप्शन फंक्शन इसमें लीनियर होता है, दैट इज़ ए पी सी इज इक्वल टू एम पी सी। देखो नॉन लीनियर का मतलब ये है कि कंजप्शन फंक्शन थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है, दैट इज शॉर्ट रन, और लीनियर का मतलब है दैट इज़ कंजप्शन जीरो से शुरू होता है, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू वाई। ये इनकम लाइन भी बताता है और कंजप्शन लाइन भी, दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर ये कहें लॉन्ग रन में कंजप्शन कितना होता है, या फिर लॉन्ग रन में कंजप्शन कहाँ से शुरू होता है, दैट इज़ लॉन्ग रन में कंजप्शन जीरो से ही शुरू होता है, इसीलिए ऑटोनोमस कंजप्शन भी लॉन्ग रन में जीरो होता है। और देर इज़ नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पे दैट इज चेंजेस इन स्केल ऑफ
प्रोडक्शन। और अगर हम बात करें फर्दर पॉइंट्स की, यहाँ पे फैक्टर रेशोज चेंजेस, फैक्टर रेशो चेंज होंगे बट फैक्टर रेशो डजंट चेंजेस। और लास्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंजप्शन फंक्शन इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। और यहाँ पे लॉन्ग रन में कंजप्शन फंक्शन होगा सी इज इक्वल टू बी वाई। और ये दो बार यूजीसी नेट एग्जाम में लास्ट टाइम आ चुका है। ओके, इन द लॉन्ग रन बोथ एपीसी एंड एमपीसी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। लॉन्ग रन में ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टेंट हो जाएंगी। और द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। क्योंकि केंज ने एक अपनी साइकोलॉजिकल लॉ कंजप्शन दिया था, उसी के बेस्ड पे थ्योरी है ये कंजप्शन फंक्शन, उसी के बेस्ड पे है। तो केंज ने अपने साइकोलॉजिकल लॉ में ये कहा था, उसने तीन प्रपोजिशन दिए थे, दैट फर्स्ट वन, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस बट लेस देन इनकम। उन्होंने कहा था अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ेगी और कंजप्शन थोड़ा कम बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन इनकम डिवाइडेड इनटू सेविंग एंड कंजप्शन विद सेम प्रोपोर्शन। उन्होंने ये कहा था जितनी इनकम बढ़ेगी अपनी, उतनी ही सेम प्रोपोर्शन से सेविंग भी हो जाएगी और कंजप्शन भी, मतलब दो भागों में डिवाइड हो जाएगी इनकम। और नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन बोथ सेविंग एंड कंजप्शन। इनकम इंक्रीज होगी तो यहाँ पे कंजप्शन भी और सेविंग भी दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये तीन प्रपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नाउ दिस थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लिकल कंजप्शन फंक्शन, इसको हम साइक्लिकल कंजप्शन फंक्शन भी कहते हैं। और लास्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू केंज कंजप्शन फंक्शन इज रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल क्या है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी में, जब हम करेंगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड टॉपिक की, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय जेम्स ड्यूजनबेरी। जेम्स ड्यूजनबेरी ने डेवलप की थी 1949 में, और जो केंज की थ्योरी थी वो थी 1929 से 1944 तक। नाउ नेक्स्ट वन, हिज थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू अजम्पशंस ऑफ केंजियन कंजप्शन फंक्शन। मतलब ड्यूजनबेरी की ये थ्योरी केंजियन के दो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड थी, या फिर दो क्रिटिक्स थी दो अजम्पशंस के ऊपर। अब देखते हैं वो कौन से दो अजम्पशंस थे। फर्स्ट वन, ड्यूजनबेरी ने कहा एवरी इंडिविजुअल बिहेवियर इज नॉट इंडिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट। अब यहाँ पे जो कंजप्शन फंक्शन की बात हो रही है, जो कंजप्शन है एक पर्सन का, केंज कहता है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब दूसरे पर्सन पे वो इफेक्ट नहीं करेगा। बल्कि ड्यूजनबेरी कहते हैं दैट इज़ इंटरडिपेंडेंट। कंजप्शन फंक्शन जो है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, मतलब एक का कंजप्शन दूसरे के कंजप्शन को इफेक्ट करेगा। और सेकेंड वन, कंजप्शन रिलेशन आर इरिवर्सिबल नॉट रिवर्सिबल। अब देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को एक प्रैक्टिकल टर्म्स में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं केंज का व्यू। केंज कहते थे कंजप्शन एक रिवर्सिबल फैक्टर है, मतलब रिवर्सिबल मतलब अगर अपनी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, अगर अपनी इनकम कम होनी शुरू हो जाएगी तो कंजप्शन भी कम होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ रिवर्सिबल, द वन थिंग्स विच कैन टर्न बैक आफ्टर सम टाइम, वो है रिवर्सिबल। और दूसरा इरिवर्सिबल, एक ऐसी चीज़ जो कभी वापस कम बैक ना हो, मतलब वापस ना आए, सीधा कंटिन्यूसली चलती रहे या फिर स्थिर रहे। तो यहाँ पे जो ड्यूजनबेरी की थ्योरी थी वो कहते थे कंजप्शन फंक्शन इरिवर्सिबल होता है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन जब इनकम कम होनी शुरू होगी तो कंजप्शन कम होना शुरू नहीं होगा, कंजप्शन वहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा। दैट इज इरिवर्सिबल। और उसी को हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और रेस्ट इफेक्ट भी कहते हैं, जो ड्यूजनबेरी ने कॉन्सेप्ट दिया था। चलो नेक्स्ट वन, ही यूजेस सोशल करेक्टर ऑफ कंजप्शन पैटर्न मीन्स सरपास ऑफ जोनसिस, दैट मीन्स नेबर्स। उन्होंने कहा कि जो अपना कंजप्शन है वो डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंड करता है नेबर्स के ऊपर। सो जोनसिस मीन्स दैट इज रिच नेबर्स, क्योंकि हम नेबर्स को देखते हैं और उनसे इफेक्टेड होते हैं, तो वैसे ही फैशन अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन, मीन्स दिखावा। ओके, कंजप्शन पैटर्न इज इफेक्टेड बाय नेबर्स कंजप्शन, दिस कंजप्शन प्रेफरेंसेस आर इंटरडिपेंडेंट। बिल्कुल ठीक है, कंजप्शन फंक्शन डिपेंड करता है नेबर्स के कंजप्शन पे, और इसीलिए दैट इज इंटरडिपेंडेंट है, कंजप्शन यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट है। इफ़ एब्सोल्यूट साइज ऑफ इनकम इन एन कंट्री इंक्रीजेस देन,
the APC for entire economy at higher level of absolute income would be constant. इसका मतलब है अगर total economy में मतलब aggregate income country की increases होती है तो APC entire economy की higher level of income पे constant रहेगी. Okay, next one. But when income decreases, consumption does not fall in the same proportion because of, लेकिन जब income कम होगी तब consumption कम नहीं होगा because of RIH effect, demonstration effect या फिर उसी हम कहेंगे bandwagon effect. और ये तीनों ही effect जुड़े हुए हैं Duesenberry की relative income hypothesis से. Now next one, second part of this theory is past peak income hypothesis. First में था relative income hypothesis और second part है इसी theory का past peak of income hypothesis. That is, he refutes the Keynesian function of reversible. ठीक है, उसने refutes की Keynesian theory को. उसने कहा कि consumption function एक irreversible है, मतलब अपना consumption income के साथ नहीं गिरेगा, मतलब फॉल नहीं होगा. ही इंट्रोड्यूस रैचड इफेक्ट, और उसे ही हम रैचड इफेक्ट भी कहते हैं. देखो रैचड इफेक्ट क्या कहता है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस एंड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आल्सो इंक्रीजेस, बट व्हेन अवर इनकम डिक्रीजेस देन कंजप्शन विल नॉट डिक्रीजेस, इट विल बी कॉन्स्टेंट. तो वहीं से डिस सेविंग आनी शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट वन, रेस्ट इफेक्ट इज डेवलप्ड व्हेनेवर देयर इज साइक्लिकल डिक्लाइन और रिकवरी इन इनकम. जब यहाँ पे रिकवरी इन इनकम मतलब जब दोनों ही केसेस में हमारी इनकम लो होती है, जब इनकम अपनी लो होनी शुरू हो गई है तो रेस्ट इफेक्ट वहाँ पे डेवलप हो जाएगा. नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग रिसेशन व्हेन करंट इनकम दैट इज YT फॉल्स बिलो द प्रीवियस पीक इनकम देन, पहले ये समझो, जब ये सिंपल लैंग्वेज में कह रहा है जब आज की इनकम पिछली इनकम से कम हो, सो देन कंजप्शन देन इनकम रेशियो दैट इज कंजप्शन इनकम रेशियो CT/YT विल इंक्रीजेस. सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या कहना है, जैसे इनकम कम होगी तो APC बढ़ेगा. सिंपल लॉजिक है, अगर इनकम कम हुई, पहले अपनी ज़्यादा इनकम थी अब कम इनकम है, तो APC बढ़ेगा. और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस अज्यूम दैट देर इज प्रपोर्शन इंक्रीज इन इनकम एंड कंजप्शन. तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज पॉइंट. ये कहता है देर इज प्रपोर्शन इंक्रीज इन इनकम एंड कंजप्शन, सो देर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑलमोस्ट अनचेंज्ड विद द चेंज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम. एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम अगर बढ़े या कम हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनचेंज ही रहेगा. सो कंज्यूमर कंजप्शन इज रिलेटेड टू हिज प्रीवियस पीक इनकम. तो जो कंज्यूमर की आज का कंजप्शन है वो डिपेंड करता है प्रीवियस पीक इनकम पे. सो लास्ट पॉइंट इसका है दैट इज रिवर्स लाइटिंग बोल्ट इफेक्ट, का मतलब है ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंजप्शन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम. नाउ अब डिस्कस करते हैं पॉइंट दैट इज टॉपिक 3, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस. और ये सबसे पहले थ्योरी दी थी मिल्टन फ्रीडमैन ने 1957 में. हिज थ्योरी इज कंट्राडिक्शन या फिर अपोजिट टू लॉन्ग रन प्रपोर्शन एंड शॉर्ट रन नॉन प्रपोर्शन कंजप्शन फंक्शन. मतलब ये इसकी थ्योरी, मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी, जस्ट कंट्राडिक्शन है या फिर अपोजिट है केन्जिन थ्योरी के. तो केन्ज क्या कहते थे, शॉर्ट रन में नॉन प्रपोर्शन मतलब APC ज़्यादा होती है MPC से, और लॉन्ग रन में प्रोपोर्शन कंजप्शन फंक्शन होता है. मतलब ये दोनों चीज़ें APC और MPC बराबर होती हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, अपोजिट है. सो अकॉर्डिंग टू हिम करेंट इनकम इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर. मतलब जो आज का कंजप्शन है वो आज की ही इनकम पे डिपेंड नहीं करता. सो ही डिवाइड कंजप्शन एंड इनकम इनटू परमानेंट एंड ट्रांजिटरी कंपोनेंट. तो मतलब उन्होंने ये कहा कि जो इनकम है वो भी, उसके भी दो पार्ट हैं, और जो कंजप्शन है उसके भी दो पार्ट है. मतलब परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम, और परमानेंट कंजप्शन और ट्रांजिटरी कंजप्शन. चलो नेक्स्ट वन,
consumption of a person depend upon future expected income or permanent income only. मतलब जो आज consumption है ये वाला point काफ़ी important है. जो consumption है वो depend करता है future expected income पे या फिर permanent income पे. So यहाँ पे positive relation है consumption और future expected income या फिर permanent income. So यहाँ पे income दो तरह की होती है, that is y is equal to yp plus yt. yp है that is permanent income. और जो permanent income means जो income हमें मिलनी है future expected income like our salary. और yt है that is transitory income जो हमें suddenly प्राप्त होती है जैसे lottery या फिर कभी बार gambling से वगैरह. और consumption भी दो तरह का है, that is cp plus ct. cp that is permanent consumption जो हमें फेस करना ही है, लाइक हम अपना खर्चा जितना भी रोटी कपड़ा और मकान पे आता है, प्लस सीटी है दैट इज़ ट्रांजिटरी कंजप्शन जो इमिडिएटली आ जाए या फिर सडनली खर्चा आ जाए जैसे एक्सीडेंटल या फिर कई बार मैरिजेस वगैरह. सो दैट इज़ सीटी, ट्रांजिटरी कंजप्शन. ओके, नेक्स्ट वन एपीसी और परमानेंट कंजप्शन इज़ इंडिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ इनकम. जो परमानेंट कंजप्शन है आपका, परमानेंट कंजप्शन है वो तो होना ही है, ये आपकी डिपेंड साइज ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करता. तो ये वाली भी काफ़ी बड़ी अजम्पशन है इस थ्योरी की. सो नेक्स्ट वन, इन लॉन्ग रन एपीसी और एमपीसी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. देर इज़ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन परमानेंट इनकम एंड कंजप्शन. तो सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में, परमानेंट इनकम और कंजप्शन के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है. सो परमानेंट इनकम इज बेस्ड ऑन टाइम सीरीज डेटा. सो परमानेंट इनकम डिपेंड पार्टली ऑन करेंट इनकम एंड पार्टली ऑन प्रीवियस इनकम. तो जो परमानेंट इनकम है ये डिपेंड करती है इनकम, मतलब ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, दैट इज़ एक करेंट इनकम वाई वन और दूसरी प्रीवियस इनकम. तो ये वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है. सो फर्दर अजम्पशंस के बारे में बात करते हैं इसके. फर्स्ट वन, देर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन ट्रांजिटरी इनकम एंड परमानेंट इनकम. और दूसरा, देर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन परमानेंट कंजप्शन एंड ट्रांजिटरी कंजप्शन. तीसरा, देर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन ट्रांजिटरी कंजप्शन एंड ट्रांजिटरी इनकम. देखो सिर्फ एक ही चीज़ में पॉजिटिव रिलेशन है, वो कोरिलेशन है परमानेंट इनकम और कंजप्शन का, बाकी किसी भी चीज़ में यहाँ पे रिलेशन नहीं है. सो देर इज़ तीनों पॉइंट में देर इज़ नो रिलेशन. ओनली फोर्थ पॉइंट में परमानेंट इनकम और कंजप्शन में प्रोपोर्शन रिलेशन है. सो परमानेंट इनकम इज़ बेस्ड ऑन बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशंस और शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन इज़ नॉन लीनियर प्रोपोर्शन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और लॉन्ग रन में ये एक प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट इज़ एपीसी और एमपीसी दोनों के बराबर हो जाएंगे. एंड फ्रीडमैन अज्यूम इन लॉन्ग रन एपीसी ऑफ ऑल द फैमिलीज, चाहे वो रिच हों चाहे वो पुअर हों, आर सेम. तो एपीसी लॉन्ग रन में सबकी सेम हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू हिम कंजप्शन नाइदर डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट इनकम नॉर रिलेटिव इनकम. ना तो फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग ना तो कंजप्शन एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड करता है ना ही रिलेटिव इनकम पे, बल्कि सिर्फ परमानेंट इनकम पे ही डिपेंड करता है. सो इट इज़ बिग अजम्पशन. ओके, अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जो डेवलप की थी सबसे पहले मोदी गिलियानी ने 1950 में. उसके बाद इसको डेवलप किया था उनके शिक्षक या फिर स्टूडेंट ब्रमबर्ग एंड एंडो. तो इसीलिए इस थ्योरी को हम MBA अप्रोच भी कहते हैं, दैट इज़ मोदी गिलियानी ब्रमबर्ग एंड एंडो अप्रोच. सो दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नॉन एज वेल्थ थ्योरी ऑफ कंजप्शन. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस थ्योरी को हम वेल्थ थ्योरी ऑफ कंजप्शन बोलते हैं. दिस थ्योरी स्टेट दैट, ये थ्योरी कहती है, इंडिविजुअल सीक्स टू स्मूथ कंजप्शन ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम. मतलब जो अपना कंजप्शन होता है वो स्मूथ कंजप्शन है, मतलब लाइफ टाइम में स्मूथली कंजप्शन तो होता ही रहेगा एक इंडिविजुअल का. कंजप्शन इज़ द फंक्शन ऑफ लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड इनकम, वेल्थ एंड नंबर ऑफ ईयर्स अनटिल रिटायरमेंट. तो इस पॉइंट को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, दैट इज़ कंजप्शन फंक्शन डिपेंड करता है तीन चीज़ों पर,
एक एक्सपेक्टेड इनकम, दूसरा वेल्थ, और तीसरा नंबर ऑफ ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट, मतलब कितने साल अभी रिटायरमेंट के लिए बचे हैं। सो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज सी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस आर वाई, सी कंजप्शन, आर रिमेनिंग ईयर ऑफ रिटायरमेंट कितने साल बचे हैं, और वाई इज इनकम, और टी हम यहाँ पे शो करता है रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ कि कितने साल लाइफ की और अभी एक्सपेक्टेड बचे हैं। सो ये कंजप्शन फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करता है दैट। ओके, फिर इसको फर्दर डायग्रामेटिकली इसको समझाया है, दैट इज एक्स एक्सिस पे लाइफ टाइम और इनकम वाई एक्सिस पे। तो जो इनिशियल स्टेज है दैट इज जीरो से शुरू होके और 20 ईयर तक यहाँ पे स्टूडेंट मतलब पढ़ाई लिखाई की एज है, सो देट इज़ स्टूडेंट लोन, तो ये वाला है दैट इज़ एज ऑफ बोरोइंग, जब यहाँ पे बोरोइंग लेंगे। नेक्स्ट वन, जब हम 20 से 40 साल या फिर 65 ईयर तक होंगे तो यहाँ पे अपनी इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी या मैन पावर ज़्यादा होगी, इसलिए सेविंग इनकम ज़्यादा होने से सेविंग भी ज़्यादा होगी, और ये कर्व बता रही है कंजप्शन लाइन। सो इनकम ज़्यादा होने की वजह से सेविंग ज़्यादा होगी अगेन। तो लास्ट पीरियड एक ऐसा आएगा रिटायरमेंट का, तो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे डिस सेविंग होनी शुरू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो इनकम कर्व है इनकम भी अपनी गिरनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे इनकम कम होने के साथ साथ डिस सेविंग भी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला लाइफ साइकिल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, दिस थ्योरी अज्यूम्ड कंजप्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद असेट, जो कंजप्शन है वो डायरेक्टली असेट के साथ रिलेटेड है। दिस थ्योरी सॉल्व द कंजप्शन पजल, और कंजप्शन पजल इसने सॉल्व किया है। देखो कंजप्शन पजल क्या है, दो थ्योरीज थी, एक रिलेटिव इनकम और एक एब्सोल्यूट इनकम, इन दो थ्योरीज से ही निकल के आया है दैट इज कंजप्शन पजल, तो उन दोनों थ्योरीज को ये सॉल्व करती है। दे यूज वेल्थ एज ए वेरिएबल, तो जो वेल्थ था एज ए वेरिएबल उन्होंने यूज़ किया। सो अकॉर्डिंग टू देम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन असेट इज जीरो, सो नेट असेट आर रिजल्ट ऑफ कंज्यूमर ऑन सेविंग, तो जितनी ही सेविंग करोगे उतनी ही आपकी असेट भी बढ़ती ही जाएगी। नेक्स्ट वन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन रिसोर्सेज अवेलेबल, तो जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज का मतलब है जैसे इनकम और वेल्थ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल रिसोर्स इनकम और वेल्थ आपके पास जितने ज़्यादा होंगे आपकी यूटिलिटी भी उतनी मैक्सिमाइज होती ही रहेगी। ओके, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस की। नंबर वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दिसंबर 2015 का, ये कहता है दैट इज़ इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ इक्वल टू APC फॉर ऑल द लेवल ऑफ इनकम, मतलब लॉन्ग रन की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें बराबर हैं, द करेक्ट करस्पॉन्डिंग कंजप्शन फंक्शन विल बी, अगर लॉन्ग रन की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये वाला शॉर्ट रन है, और सिंपली जो थर्ड है दैट इज़ सी इज इक्वल टू BY, ये शो करता है लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट वन, अरेंज द असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब इनके कालानुसार इनको अरेंज करना है, तो देखते हैं पहले कौन सी थ्योरी कब इस्टेब्लिश हुई थी। सबसे पहले एब्सोल्यूट इनकम 1929, उसके बाद रिलेटिव 1948, फिर उसके बाद परमानेंट इनकम 1957 में हुई थी, और लाइफ साइकिल जो हुई थी वो थोड़ा पहले हो गई थी 1950 में, तो इनका सीक्वेंस होना चाहिए पहले में एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिर लाइफ साइकिल, फिर परमानेंट। चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर 3 विल बी राइट, 3 ठीक होगा, क्योंकि इसमें पहले में एब्सोल्यूट इनकम, दूसरे में परमानेंट दैट इज़ दूसरे में रिलेटिव इनकम, और तीसरे में दैट इज़ लाइफ साइकिल, और चौथा लास्ट में सेकंड जो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैंडवैगन इफेक्ट इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने स्टडी की थी, ये फाइंड आउट हुई थी दैट इज़ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में, which was given by Dusenberry. So, which among the following theory does not treat consumption to depend upon expected income?
देखो कितना रीजनिंग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, वो कहता है डज नॉट ट्रीट ऑन कंजप्शन इज डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड इनकम। देखो कंजप्शन केंज यहाँ पे सबसे पहले ही ये हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि केंज कहता है अपना कंजप्शन डिपेंड करता है डिस्पोजिबल इनकम, वो भी करेंट डिस्पोजिबल इनकम, और क्वेश्चन पूछता है डज नॉट ट्रीट ऑन कंजप्शन डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड इनकम, मतलब फ्रीडमैन और लाइफ साइकिल ये दोनों ही बात करते हैं कि अपनी इनकम एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर इनकम पे डिपेंड करती है अपना कंजप्शन। सो एक क्वेश्चन और है जो नवंबर 2017 में आया था, दैट इज़ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस अज्यूम दैट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने पहले ही कहा था सिर्फ एक चीज़ के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, बाकी सभी चीज़ के बीच में इसमें नेगेटिव रिलेशन ही है। तो परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजप्शन इन दोनों के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, बाकी किसी में भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों आज की ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसमें से आप कुछ भी मिस मत करना, और नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक 2 फ्लिप कर्व एनालिसिस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।